हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें आते हैं। तो ये हमारा सेक्शन टू है। हमने इससे पहले प्रीवियस सेक्शन सेक्शन वन अपलोड किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन अपलोड किए थे। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड किए हैं उनको देखते हैं, वन वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, HTML इज एन एब्रीविएशन ऑफ डैश, मीन टू से HTML की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर चार हमने यहाँ फुल फॉर्म्स दी गई हैं, हाई टेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाई टेक मार्कअप लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका जो आंसर है डेट वन इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप वेब पेजेस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन टू है, डैश इज अ डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट। ऐसा एक डिवाइस जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन सेंट की जाती है, या ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकता है। डैश इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए ट्रांसमीटर, सेकेंड वन इज स्प्रेडशीट, थर्ड वन इज सिमुलेशन एंड फोर्थ वन इज मॉडुलेशन। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा डेट वन इज मॉडुलेशन। मॉडुलेशन इज ए डिवाइस, यहाँ मॉडुलेटर वैसे आना चाहिए था, उन्होंने मॉडुलेशन लिखा है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये भी यहाँ आंसर आ सकता है, दूसरा ट्रांसमीटर भी। तो यहाँ दोनों ही आंसर आ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका मॉडुलेशन आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल, कौन सा सूट हम यूज इसमें करते हैं, HTTP, IP, POP, FTP। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और लास्ट की फुल फॉर्म है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये भी काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में और इसकी भी। और इसका जो आपका आंसर आएगा डेट वन इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये तीन होते हैं, लैन वैन बैन, इसके इस आज से आजकल नया भी आ रहा है पैन और देन सॉन। तो लैन की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है क्या है, लार्जर असेस नेटवर्क, लोकल असेस नेटवर्क, लार्जर एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो फुल फॉर्म होगी आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके साथ आपकी एक और होती है मैन की मेट्रोपॉलिटन और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। एक और होता है पैन जो आजकल न्यू आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह पूछा जाता है। पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आप हॉटस्पॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं। एक और आजकल बहुत यूज़ हो रहा है स्पेशली यूनिवर्सिटीज वगैरह, कैन, कैन की फुल फॉर्म है कैंपस एरिया नेटवर्क। सो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच फ्रॉम द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस होते हैं पॉइंट्स के साथ, ऐसा कौन सा है जो आपका पॉइंट्स के साथ आपका जो नंबर डिस्प्ले नहीं करता। पॉइंट्स होते हैं जैसे मैंने लिखा 1.5, ऐसा वो डिस्प्ले नहीं करता, इनमें से कौन सा है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। तो इसका आंसर आएगा इंटीजर। इंटीजर में आप जो भी वैल्यू लेंगे वो आपकी सीधी आएगी, जैसे 10, 20, 1, 2, 3 ऐसे। पॉइंट के साथ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मीन टू से फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट, एल्गोरिथम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज डैश, कंप्यूटर प्रोग्राम, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये एल्गोरिथम मेनली डिज़ाइन किए जाते हैं, लैंग्वेज जो होती है ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आएगा आपका मशीन लर्निंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें AI की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, AI को फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो आंसर 6 का होगा डेट वन इज मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक मीडियम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज ए फाइबर डैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडबैंड्स आ रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही उनमें डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो आपकी केबल है किससे बनी होती है, फाइबर किससे बना होता है, ग्लास से, वुड से, कॉपर से, लीड से। वो जो है ग्लास से बना होता है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है इसको, और भी क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाता है। डैश इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, डैट वन इज़ ऑप्टिकल फाइबर, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेब पेज आर इंटरलिंक्ड बाय यूजिंग डैश। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, आप एक वेबसाइट पे किसी पे क्लिक करते हैं, जब क्लिक करने पर नेक्स्ट पेज खुलता है
वही इन्होंने बताया कि वो लिंक इसके थ्रू लगते हैं, HTTP के थ्रू, MARQ, हाइपर लिंक्स और स्लाइडर। तो ये जो फ्रेंड्स मेनली लिंक्स लगते हैं, हाइपर लिंक्स के थ्रू लगते हैं। तो इसका आपका आंसर आएगा हाइपर लिंक्स। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज बाई द मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी का सुपर कंप्यूटर परम 800 है, और नासा का सबसे जो ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होता है वो है प्लेडी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका कम्युनिकेशन सबसे फास्ट होता है, और ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता है, विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टोश आपका एप्पल का होता है, याद रखिएगा। और लास्ट में दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका आंसर आएगा डेट वन इज़ लाइनक्स, लिनक्स या लाइनक्स, इसका जो आप यूज़ करते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो लिनक्स होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द मैकिन्टोश कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैक आप इसको बोल सकते हैं या मैकिन्टोश जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अमेरिका वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इंडिया में तो विंडोज़ ही चलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, लेनेवो। तो इसका जो आंसर है डेट वन इज़ एप्पल, स्टीव जॉब्स एप्पल के फादर हैं, आप सभी को पता है। तो ये थे पूरे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा, डैश इज़ द फादर ऑफ एप्पल सॉन, तो उसके जो फादर हैं स्टीव जॉब्स, बट वो अब इस दुनिया में नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये थे पूरे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके साथ और कोई भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट या क्यूरी होती है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी शेयर करिएगा। बाकी और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो आपका रिगार्डिंग दिस जो मैंने आपको कंप्यूटर सेक्शन एक्सप्लेन किया है, वो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल।